पर घुस लगे, बोले जय रामचंद्र की। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ कैसे जुनूज। अभी पूरे भारत देश में जो प्रभु श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में स्कूल के बच्चे लोग बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए एक संदेश के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग राउत नाचा का एक संदेश देने के लिए अपना एक प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं और पूरे यहाँ पे उत्साह का माहौल बना हुआ है। गुड़िया, आपका नाम क्या है? प्रिया। कौन सी स्कूल से हो? सरस्वती। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजीवन। केजीवन क्या बने हो अभी आप? राम। राम, जय श्री राम। अभी राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर एक रैली के रूप में संदेश देना चाह रहे हैं और बच्चों में बहुत उत्साह भी है। हम उसी को कवरेज करने के लिए ख्याल के बस स्टैंड में आए हुए हैं। तो ये रैली आज किस चीज की है गुड़िया? राम जी की क्या चीज की रैली? राम जी की जोर से जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री राम चंद्र की, प्रभु श्री हनुमान की जय जय श्री राम। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से चले रहा ऐसे बोलते रहो। राम सिया
भैया जिस हिसाब से आप सब देख रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, पूरे भारत देश में उत्साह के माहौल है, आप उसे किस रूप में देख रहे हैं, जितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? देखिए मैं बताऊं, जिस तरीके का पूरा माहौल भारत में है वैसा माहौल खैरागढ़ संगीत नगरी भी उससे छुती नहीं है। ये देखिए प्रेम कुमार सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं, इनकी आज झांकी निकली थी और इन्होंने पूरे नगर का भ्रमण किया है और बाकायदा चौक चौराहों में जाकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, संगीत नगरी से 3 भजन गायकों ने अभी नए भजन गाए हैं, एक संभव लूनिया जी हैं, विधा सिंह राठौर हैं और विभाष पाठक जी हैं। उसके अलावा पूरे संगीत नगरी को भगवामय करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी घरों तक लगभग 5000 मकानों तक जो खैरागढ़ के हैं वहां तक भगवा ध्वज पहुंचाया जा रहा है, पूरे ध्वज पताका लगाए जा रहे हैं, तोरण लगाया जा रहा है और सभी मंदिरों में लगभग मुझको लगता है 40 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पूरे 22 जनवरी को भव्यतम रूप प्रदान करने की तैयारी की जा चुकी है। ये तो शुरुआत है और इस तरीके से धीरे धीरे व्यवस्था बनाई। ये पूछना चाहूँगा कि आप देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत से अन्य पार्टी को आमंत्रण कार्ड दिया गया है, बहुत लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, नहीं उसके लिए आप क्या देखते हैं? देखिए मैं, मेरा तो एकमात्र कहना है कि ये राम का काज है और जो राम का नाम लेता है वो भी राम का है और जो नहीं लेता है वो भी राम का है। तो हमने तो आमंत्रित केंद्रीय स्तर पर जो आमंत्रण हुआ है वो हुआ है, स्थानीय स्तर पर भी हमने सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सभी समाजों के लोगों को आमंत्रित किया है और वो तो प्रभु इच्छा है, जिसके भाग में होगा वो आएगा और जिसके भाग में नहीं होगा वो नहीं आएगा। ये भी देखा जा रहा है कि कई सालों से 70 साल से प्रयास चल रहा था, बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लेके आया था कि राम मंदिर को हम लेके आएंगे, हम बनाएंगे, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम से राजनीति किया जा रहा है, आपको कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है राजनीति? अब देखिए, अब इसे अगर राम के नाम से राजनीति हो रही है तो मुझको लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं है। देश में, राम के देश में राम के नाम पर ही राजनीति हो तो बेहतर है। और दूसरी चीज, जिसने संघर्ष किया है, जिसने बीज बोया है, जिसने जो उस निर्माण का साक्षी रहा है, अगर उसको श्रेय नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे संघर्ष को लड़ा है, इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को दिशा दी है और पिछले 500 सालों का संघर्ष है। अकेले विश्व हिंदू परिषद की भी बात नहीं है, अलग अलग लोगों ने, साधु संतों ने, आम जनमानस ने, सभी ने यह संघर्ष किया है। तो उस संघर्ष का आज परिणाम है और जिसकी सरकार है वो उस प्राण प्रतिष्ठा में अगर शामिल हो रहा है तो वो नहीं होगा, देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कौन होगा? जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहूँगा ईश्वर सद्बुद्धि दे, अभी भी समय है, 22 जनवरी में 4 दिन और 5 दिन है, आए राम नाम के जप में शामिल हों और श्रेय का भागीदार वो भी बने। जी जी।